नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा में। यहाँ जैसा कि सावन का सीजन चल रहा है, पूरे देश में सावन की हर जगह धूम मची है, पूजा पाठ हो रही है भगवान शिव के लिए। हर कोई चाहता है कि उनकी विशेष कृपा उन लोगों को मिल जाए, भक्ति भाव में सभी लोग लगे हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। एडवोकेट दिनेश मोहन जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने भंडारा चल रहा है, लगातार सुबह से ये भंडारा चल रहा है और अभी कितनी देर तक चलेगा कुछ कह नहीं सकते। हजारों की भीड़ है यहाँ पर, लोग सुबह से लगातार भंडारे का जो प्रसाद है उसे ग्रहण कर रहे हैं। इस परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे इनसे। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते बेटे, मेरा नाम रतनलाल वाल्मीकि है। सर, ये जो भंडारा सुबह से चल रहा है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये भंडारा क्या नाम, हमारा दिनेश मोहन जी है वकील साहब, अपने अपने ही खर्चे से, अपने ही पैसे से ये भंडारा करा रहे हैं और ये धार्मिक काम में लगे रहते हैं। हर चीज में इनको रुचि है, हर काम में इनको रुचि है और ये बड़े हृदय से, बड़े मन से ये काम कराते हैं। और मैं तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इनका कि ये बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, बहुत ही क्या नाम प्रेमी इंसान है कि हर की किसी की भी दुख मुसीबत हो, किसी की भी क्या नाम कोई भी परेशानी हो, हर जगह ये हमेशा उसके साथ रहते हैं। अंकल जी, जिस तरह से भक्ति भाव से आप लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो देश में वही बहन बेटियों को लेकर बहुत सारे पाप जो है वो हो रहे हैं, इन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही घिनौनी क्या नाम, मैं बयान नहीं कर सकता जो भी क्या नाम देश में हो रहा है। ये दिखाया देखना भी पाप समझता हूँ मैं तो। जो लोग कर रहे हैं उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी भी कम है, फांसी ही होनी चाहिए उनको। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक बाल्मीकि समाज यानी क्या नाम ऐसी कास्ट को ये जो घृणा की नीति से देखते हैं, इनका तो क्या नाम कुछ कहना, क्या कहूँ, वो बयान नहीं कर सकता। सुना आपने, जहाँ कहा जाता है कि सभी एक है, सभी समान है, सबके मान सम्मान को समान रखा जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दलित जो है आज भी अपने मान सम्मान को लेकर जूझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दलित परिवार में पढ़े लिखे लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि दलितों में एडवोकेट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, पुलिस अधिकारी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हर तरह के प्रोफेशन में दलित समाज आज आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ आप यहाँ देख सकते हैं कितने लोग यहाँ मौजूद है, पूरी टीम यहाँ लगी हुई है सेवा करने लोगों की। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, और मैं बात करने की कोशिश करूंगी पूरी टीम से। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, कितने साल के हो? 16। 16 साल के हो और लोगों की सेवा में लगे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। अच्छा फील हो रहा है। आपका क्या नाम है? अरुण। अरुण जी, कैसा लग रहा है मेहनत कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो? अच्छा लग रहा है। धार्मिक जो काम आप कर रहे हो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। यहाँ कुछ महिलाएं दिनेश जी के परिवार जो है वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। मैडम मैं सुबह से, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मधुमोहन। मधुमोहन जी, मधु जी सुबह से जैसे आप सेवा भाव कर रही हैं, धर्म के जो कर रहे हैं आप, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, अपना धर्म करते समाज से हैं हम तो अच्छा लगता है। सबकी सेवा करो सबसे अच्छा है। देखा आपने, ये वो वाल्मीकि समाज है जो हमेशा से धार्मिक कामों में लगा रहता है। ये वो वाल्मीकि समाज है जो हर धर्म के काम करता है, जिस जो देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए जरूरी है, वाल्मीकि समाज बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेता है। मैं बात करना चाहूँ, क्या नाम है आपका? रवि मोहन है। अच्छा लगता है जी, इस समाज के अंदर जो हम हैं हमें बहुत अच्छा लगता है जी। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे भाई साहब जो हैं, हमारे कल मतलब बड़े भाई दिनेश मोहन जी, ये बहुत अच्छा का काम करते हैं। सर कब से कर रहे हैं आप ये धर्म के काम? काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। पापा थे हमारे, पापा भी थे, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमसे ये चीज कर रखी है कि बेटा मतलब समाज से कभी मतलब अलग नहीं होना है और अच्छा काम करना है समाज के लिए, तो हम करते आ रहे हैं। आंटी जी क्या कहना चाहेंगी? वाल्मीकि समाज आज किसी चीज में पीछे नहीं है, आगे बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखा रहा है, क्या कहेंगी? बस सही चल रहा है, वाल्मीकियों का भी सर से हर इंसान का सब सरकार चल रहा।
तो ये भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। ये मेरा बेटा ही करवा रहा। अच्छा अच्छा, ये दिनेश जी की माता जी है जो कह रही है कि सिर्फ एक वाल्मीकि नहीं सर्व समाज के लिए ये है, और ये आप बहुत बड़ी मिसाल है कि वाल्मीकि समाज किस तरह से बढ़ चढ़कर धार्मिक कामों में भाग लेता है, धर्म के काम करता है। हमारे साथ दिनेश जी यहाँ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा लगता है आपको इतना कुछ करते हैं। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी, वाल्मीकि एडवोकेट, आप ध्यान से सुनिएगा ये शब्द मेरा, एडवोकेट मतलब वाल्मीकि समाज में वो सारी प्रतिभाएं छिपी हैं जिन्हें आप कह नहीं सकते कि वाल्मीकि समाज किसी भी नजर से नीचा है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ देखो, पढ़ाई लिखाई सबसे पहले मैंने पढ़ा लिखा एजुकेशन, आपकी अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई है तो आपके पास सब कुछ है। आज हम वकील हैं, हमारी इज्जत है और थाने पुलिस में हर जगह जाते हैं, हमारी इज्जत बनी हुई हमारी, और हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई जो हमारे भाई बहन है जो भी है वो किसी बात से मन ना घबराएं, कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को भी, कोई दिक्कत आती है तो हम आपके लिए खड़े हैं, कोई आपको कोई दिक्कत तंग करता हो, कोई भी परेशानी आ रही हो आपको, किसी को कोई दिक्कत हो, हमें बैठा आपके लिए। भाई मैडम हमारी भाई है बेचारी, बहुत सी हमारी बहन हमारी है और हमेशा हमारे साथ रहेगी, तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है एक रहे और आगे बढ़े, किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि तुम किसी से भी अपना लक्ष्य बना लो, एजुकेशन प्लस आपकी पढ़ाई लिखाई अपने आप सबसे आपको जो है आगे रखेगी। मैडम क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से सर काम कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई होने के बाद, एडवोकेट होने के बाद धर्म को अपने आगे रखकर चल रहे हैं, क्या ये करेंगी? बहुत ज्यादा हमेशा हर किसी के काम आते हैं, और मैं भी एक्चुअली काम के लिए अभी इन्हों से बात की थी। अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था, काफी टाइम में मुझे मिले हैं ये। अच्छा बस, और मिले तो धार्मिक काम के, धार्मिक काम के साथ, तो ये मैं भंडारा भी ले रही हूँ। अरे वाह वेरी गुड, देखो प्रसाद लेने कहते हैं दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, हम लोग भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और एक चीज, अच्छा बहुत दिन से ढूंढ रही थी आप, एक चीज और यहाँ देखेंगे, ये नोट करिएगा कि यहाँ जो भंडारा बांट रहे हैं ये सभी युवा हैं, मतलब इन युवाओं में इतना क्रेज है कि ये पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ धार्मिक कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये वो युवा है जो आगे आने वाले भारत का भविष्य है, मतलब अब हमारा युवा जाग चुका है और ये समझ चुका है कि हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना भविष्य भी उज्जवल करना है, अपने धर्म को भी आगे रखकर चलना है और अपनी संस्कृति को भी कायम रखना है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज।